पहल की, क्या कुछ उसके लिए कुछ हो रहा है? देखिए, पटना में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बने, बिहार सरकार शुरू से इसके लिए काम करती रही और 2017 में भारत सरकार के सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सारे लोग आए और उन लोगों ने तय किया कि बेहटा में बनना चाहिए। उन लोगों ने दिया कि 108 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार लेकर के देगी तो वहां पर एयरपोर्ट बनेगा और बिहार सरकार रिकॉर्ड टाइम में ज़मीन एक्वायर करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी। आज तक उसमें एक ईटा भी नहीं लगा। मैं जब मिला था उनसे तो वो और ज़मीन की बात कर रहे हैं। अब मैं टेक्निकली बता दूं कि वहाँ पर 320-321 जो एयरबस है वो लैंड करेगा जो बना हुआ है और वही उन्हीं लोगों का प्रपोजल। ये 108 का फिगर कहाँ से आया? 108 एकड़ भारत सरकार ही मांगी थी और देश में फ्लाइट जाए और ये फ्लाइट जो होता है वो गल्फ भी जा सकता है, साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकता है। वहाँ पर लैंड एक्वायर करने के बाद भी आज तक भारत सरकार वहाँ काम नहीं की है। हमने रिक्वेस्ट किया, पेपर दिखाया, बताया, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं उस एयरपोर्ट को लेकर के। ऐसे ही पूर्णिया में हम लोगों ने ज़मीन लेकर के दे दिया है, उसमें भी बहुत मूवमेंट नहीं है अभी तक। उन्होंने कहा भी, हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जो वहाँ पर हाईवे है वहाँ तक रोड कनेक्ट करके बिहार सरकार दे देगी, ज़मीन आपको दिया हुआ है, आप ज़मीन लिए हुए हैं, वहाँ का टेंडर कीजिए और काम शुरू कीजिए। उस पर भी बहुत मूवमेंट नहीं और दरभंगा में तो आप जानते हैं कि ज़मीन हम लोग दे भी रहे लेकिन रेट और भाड़ा जो है पुरान स्कीम कितना ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, सारे लोगों से जा कर के मिले और सब लोगों का पॉजिटिव, मैं भी था, सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था इसमें और सब लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आ कर के एक ये बने और मुख्यमंत्री जी का ये इनिशिएटिव आगे भी जारी रहेगा। अभी तो मान ली चुनाव है, बिहार का भी कमिटमेंट है, लेकिन ये एक अभियान मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, आगे भी जारी रहेगा। तब तो इन सब बातों में बहुत तरह का इश्यूज रहता है लेकिन मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगा और कोई ना कोई 2024 के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनेगा। खास करके यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, JDU हो, उसमें जो एकता आप देख रहे हैं। एक चीज़ और है, तो अपना पूछ लिया हमसे, बोले नहीं कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं भाई, 27 नवंबर को गंगाजल योजना का उद्घाटन, गंगाजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये बिहार के लोग जो काम सरकार का है, नीतीश कुमार जी का है, उसमें वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट आप मान सकते हैं, जहाँ बाढ़ के पानी को ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग ले गए। देश में ऐसा प्रोजेक्ट आज तक नहीं हुआ, बाढ़ के पानी को आप पीने के पानी में ले जा रहे हैं। तो 27 तारीख को राजगीर से मैं इसका उद्घाटन करेंगे और 28 तारीख को गया और बोधगया में इसका उद्घाटन होगा। ये आपके जानकारी के लिए। और सर, इस बार जो डैम बना है आज कुछ खबर वहाँ से कि सफाई की व्यवस्था कहाँ पर गया? नहीं नहीं, वो अच्छा, वो दूसरा चीज़ पूछ रहा है। मैं तो इसकी बात कर, वो अलग चीज़ है। तो ये बता दिया आपको कि ये इतना बड़ा गया, बोध गया, राजगीर, तीनों शहर में पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। नवादा इसके साथ है तो नवादा 2023 जून तक पूरा हो जाएगा, उस पर काम प्रोग्रेस में है। इस तीन का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी 27-28 को करेंगे और इसके अलावा आपको उसमें सब कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जगह है, सारे जगह ये पीने का पानी, जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी फैक्टर इन करके, जो पर्यटक आता है उसको लेकर के और खुद भी मुख्यमंत्री जी कितनी बार जा कर के इस सारे स्कीम को देखते रहे, उस पर काम करते रहे, तो इसका लोकार्पण होगा। जहाँ तक आप गया जी में पानी स्टोरेज हो गया, 4 महीना हम लोग पानी जो फ्लड के टाइम में पानी रहता है उसको स्टोर करेंगे और 12 महीना पानी वो लोगों को पिलाएंगे। तो ये देश में ऐसा योजना
हम लोगों के ध्यान में नहीं आता है, कहीं हुआ भी है, लेकिन फ्लड के पानी को ऐसे एरिया में जहाँ वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया, ऐसे एरिया में जहाँ टैंकर से पीने का पानी भेजा जाता है, उनके टैप में पानी आएगा और गंगा जल सीधा पहुँच रहा है, सीधा पहुँच रहा है। पहला दिन है राजगीर का, सेकेंड हाफ, और 28 तारीख को गया और बोध गया, क्योंकि तो अलग अलग बड़ा एरिया है तो दो दिन का ही है। और जहाँ तक गया जी डैम की बात आप कर रहे हैं, तो ये भी बिहार सरकार का, नीतीश कुमार जी का एक बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ फल्गु नदी में जेसीबी से बालू खोदकर पानी निकाला जाता है, जहाँ फल्गु नदी में, फल्गु नदी के बीच में चापाकल गार के पानी निकाला जाता है, वहाँ 8 से 10 फीट पानी है नया टेक्नोलॉजी के साथ। 12 लाख लोग पितृपक्ष में इस बार आए, 12 लाख लोग गया में, और सब लोग उसमें डुबकी लेकर के नहाए। आप समझ सकते हैं गया के लोग ज़्यादा आपको बता पाएंगे, जो या जो देश विदेश के लोग आए पर्यटन के दृष्टि से, कितने लोग हम लोगों को मिले जो बोल रहा है कि ऐसा तो कभी अनुभव नहीं किया, जहाँ एक बूंद पानी नहीं था वहाँ 8 से 10 फीट पानी वहाँ पर था। जहाँ तक उसकी सफाई की बात करें, इनिशियल स्टेज है, हम लोगों ने प्रशासन को भी कहा है कि लोग जो उसमें जा कर के डालते हैं पितृपक्ष में जो पिंडदान को लेकर के, उसका कोई मैकेनिज्म और डेवलप किया जाए उसकी सफाई।